दो दिनों के लिए गोरखपुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की पहचान और उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दो महत्वपूर्ण केंद्र की भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। जल्द ही यहाँ दोनों केंद्र के भवन तैयार हो जाएंगे, इसके लिए वो केंद्र सरकार के आभारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में मोदी सरकार आने के बाद वर्ष 2014 से 2018 तक उत्तर प्रदेश को कुल 13 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। सभी के प्रयास से इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को जल्दी खत्म करने में सफलता हासिल होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस और वेक्टर बॉर्न डिजीज, इन सब के समय पर पहचान, उपचार और उन्मूलन की दिशा में, और अगर कहीं बीमारी हो जाती है, कोई बच्चा उससे पीड़ित हो जाता है, तो उनके पुनर्वास की, जिससे दो महत्वपूर्ण केंद्र भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ है। एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो NIB पुणे की ही तर्ज पर एक रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर है, जो हर प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज को समय पर पहचानने और उसके उपचार के लिए आवश्यक उपाय करने के सामने एक बहुत बड़ा भारत सरकार के स्तर पर भी है। दूसरा, इंसेफ्लाइटिस से जो बच्चे शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं, उन बच्चों के पुनर्वास के विषय कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी CRC का शिलान्यास भी यहां पर हुआ है। 104 रुपए की लागत से ये दोनों सेंटर यहां पर बनने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। मैं इसके लिए यहां पर पधारने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की पीड़ा को समझा। यद्यपि उत्तर प्रदेश को आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गोरखपुर को एम्स मिला, उत्तर प्रदेश में 6-6 मेडिकल कॉलेज में, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 8-8 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए प्रत्येक को 120 करोड़ रुपये भारत सरकार ने उपलब्ध कराए। PHU के मेडिकल सेंटर को, इंस्टीट्यूट को उन्होंने एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई, और साथ ही साथ आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में 1947 से 14 तक मात्र 13 मेडिकल कॉलेज बने, और 2014 से 2018 के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश को 13 नए मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, जिनमें 8 विगत वर्ष, 5 विगत वर्ष मिले थे, 8 इस वर्ष मिले हैं। 13 मेडिकल कॉलेज उन कमिश्नरी में हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं जो अब तक मेडिकल कॉलेज जहां पर नहीं स्थापित हुए थे। मैं इसके लिए आभारी हूं। मेरा विश्वास है कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस के उपचार और उन्मूलन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने में सफल होंगे। वैसे भी आज सामूहिक प्रयास के कारण इंसेफ्लाइटिस की में भारी कमी देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि इसमें एक बार सामूहिक प्रयास हो जाए तो हम लोग इंसेफ्लाइटिस का जो पूर्वांचल का नासूर बन चुका है, इसका पूर्ण उन्मूलन करने में सफल हो जाएंगे। आप सबको मैं जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देता हूँ।